ये वीडियो देखने के बाद अगर तेरी अंतर आत्मा से कुछ कर गुजरने की आवाज़ ना आई तो वीडियो को डिसलाइक और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने वाला हूँ जिससे भर भर कर प्रेरणा मिलेगी। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ हार नहीं मानती। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कैरोली टैकस की, जिसका जन्म 21 जनवरी 1910 को हंगेरी में हुआ था। आगे जाकर वो हंगेरी की सेना में सर्जेंट की पोस्ट पर था। कैरोली टैकस को शुरू से ही पिस्टल शूटिंग का बड़ा ही शौक था, और 1936 के आसपास इस दुनिया में कैरोली को बेस्ट शूटर भी माना जाने लगा। और उसका शुरू से ही सपना था कि वो अपने देश हंगेरी के लिए शूटिंग में गोल्ड मेडल लाए। इसके लिए उसने दिन रात एक कर दी। आगे जाकर इसने 1948 और 1952 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीते। लेकिन ये गोल्ड मेडल जीतने से ज्यादा अपनी लगन और अपने जुनून के लिए जाना जाता है। और कहते हैं ना, एक मिनट की सफलता पाने के लिए पूरे जीवन भर की असफलताओं का मूल्य चुकाना पड़ता है। कैरोली दिन रात शूटिंग की प्रैक्टिस करा करते थे, इसलिए उन्होंने सारे इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट्स भी जीत रखे थे। इसी वजह से दुनिया में उनकी शूटिंग का डंका बजता था। अब 1940 में होने वाले ओलंपिक के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। ओलंपिक से दो साल पूर्व 1938 में उनके साथ एक हादसा हुआ जिसने कि इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और लोगों के जीवन में छोटा मोटा हादसा होने पर भी लोग निराश हो जाते हैं और अपने कदम पीछे कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी एक आईने की तरह है, वो तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। 1938 की बात है, वो आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड उनके हाथ में ही गया, और इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका जो राइट हैंड था, जिसके लिए वो जाने जाते थे, उन्होंने उसको खो दिया। पूरे देश ने अब आस लगाना छोड़ दिया, सबके दिलों में मातम का माहौल छा गया और लोगों ने मान लिया कि अब कैरोली कभी भी स्पोर्ट नहीं खेलेगा। वहीं एक और कैरोली निराश के सागर में डूबने की बजाय जुनून के समंदर में गोते लगा रहे थे। और वैसे भी विजेता कभी हार नहीं मानते, और जो हार मान लेता है वो विजेता नहीं होता। हाथ खोने के उपरांत कैरोली का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं मेरे लेफ्ट हैंड को मेरा मेन हैंड बनाऊंगा और राइट हैंड से भी ज्यादा इसे इम्प्रूव करके दुनिया को दिखाऊंगा। और उन्होंने सोचा कि सपनों की उड़ान के लिए हाथ ही गया है, अभी हौसलों के पंख बाकी हैं। तो हॉस्पिटल में अपने वार्ड का गेट बंद करके अंदर ही शूटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अब ऐसा काम तो कोई पागल ही कर सकता है ना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद खुद को कुछ महीने उन्होंने अनजान रखा दुनिया से। लोग तो ये सोच रहे थे कि उसके घाव वो भी भरे नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मसला था। दिन रात एक कर दिया कैरोली ने, और अपने लेफ्ट हैंड को इतना ट्रेन कर दिया कि वो राइट हैंड के जैसा हो गया। खुद को बहुत सीक्रेटली ट्रेन किया, और किसी ने सही कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और इस वक्त उनकी उम्र 28 साल की थी। कुछ ही दिनों में एक नेशनल चैंपियनशिप हुआ, वहाँ वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए। उनको देख खिलाड़ियों और पब्लिक में हर्ष और उल्लास की बीच में वर्षा हो गई। खिलाड़ियों को तो ये लगा कि ये हमारा मनोरथ बढ़ाने के लिए आया है, इसलिए सब खिलाड़ी उनके पास गए उनको शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन कैरोली ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मनोबल बढ़ाने नहीं बल्कि प्रतियोगिता लड़ने आया हूँ। ये देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, और कैरोली ने ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले चकाचौंध रह गए। अब लोगों के हृदय उम्मीद की किरण से फिर से प्रकाशित होने लगे थे। अब उन्हें लगने लगा कि कैरोली ओलंपिक जीत सकता है। लोगों ने कैरोली से उम्मीदें रखना चालू कर दिया। अब 1940 का वो दिन दूर नहीं था जिस दिन ओलंपिक होने वाला है, लेकिन विश्व युद्ध की वजह से वो ओलंपिक 1944 में शिफ्ट हो गया। हम सब इस जगह रहे होते तो हताश होकर वहीं बैठ जाते, लेकिन कैरोली ने इसे भगवान की देन समझकर सोचा कि ये मुझे एक और मौका मिला है खुद को और परफेक्ट करने का, और अगर इन 4 साल में मैंने कमर तोड़ मेहनत कर ली तो फिर मेरी विजय निश्चित है। परिणाम की चिंता किए बगैर कैरोली लग गया धार पे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 1944 वाला ओलंपिक भी रद्द हो गया और वो 1948 पर पोस्टपोन्ड हो गया। अब एक बार फिर लोगों ने उम्मीदें रखना बंद कर दिया, लेकिन कैरोली के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। और किसी ने सही कहा है कि मैदान में हरा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हरा हुआ इंसान बिल्कुल नहीं जीत सकता। और यदि जीवन में कुछ कर गुजर जाना है तो इरादे नहीं तरीके बदलो। अब स्थितियां कैरोली के बिल्कुल विपरीत थी। धीरे धीरे समय के साथ उनकी उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में अब उन्हें भी आभास होने लगा था कि मेरे अंदर जोश और आंतरिक ऊर्जा की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी इरादे अगर फौलादी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अब वो दिन आ गया 1948 का ओलंपिक वाला। अब कैरोली की उम्र 38 साल हो चुकी थी और उनके साथ कॉम्पिटिटर्स जो थे वो सब जवान और जोशीले थे। कॉम्पिटिटर्स को लगा कि ये अब तो बूढ़ा हो गया है और इसके एक लेफ्ट हैंड से ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ये महज उनकी एक गलत फहमी थी। बाकायदा कैरोली
ने अपने कॉम्पिटिटर्स को करारा जवाब दिया, बल्कि ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भी जीता। इसके बाद 1952 में फिर एक बार गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया। दोस्तों, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन मुश्किलें ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप तब देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से निगाहें हटा लें। अगर आज आपके अंतर मन में थोड़ी सी भी आग लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आज कैरोली पर वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल कोई आप लोगों पर बनाए। फैसला आप लोगों के हाथ में है। मिलता हूँ कल अब्राहम लिंकन की एक और दमदार वीडियो के साथ। देखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।